ओम शांति। हम सभी के सामने बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां आ रही हैं, संशय में लाने के लिए माया भिन्न भिन्न रूप से हम सभी के सामने आ रही है। कभी कभी तो कुछ घटनाएं ऐसी होने लगती हैं कि जिनको देख करके ब्राह्मण आत्माएं भी प्रश्नचित हो जाती हैं और उनकी प्रसन्नता भी गायब हो जाती है। और बहुत सारे बाबा के बच्चे जो स्वयं को यज्ञ रक्षक समझते हैं, ऐसी परिस्थितियों को देख करके, ऐसी घटनाओं को देख करके अपने आप को बाबा का वफादार बच्चा समझ करके सामने वाली आत्माओं को, जो यज्ञ के लिए कभी कभी विघ्न का रूप धारण कर लेती हैं, उनके ऊपर दोष देना, उनको ब्लेम करना, उनको अपशब्द कहना शुरू कर देती हैं। इस तरह से वो सोचते हैं कि शायद ऐसा करके हम भगवान के घर की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन इस समय में सही अर्थों में यज्ञ रक्षक वही है जो हर घटना को देख करके साक्षी रहे, नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो और संकल्प में भी संशय न आए कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। ऐसी निश्चय बुद्धि आत्माएं ही यज्ञ की रक्षा कर पाएंगी। जब कि दोष आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले योगी नहीं योद्धे कहलाए जाते हैं, और योद्धे विजयी हों ये जरूरी नहीं। हमारा कार्य है चारों दिशाओं में जो भी घटनाएं हो रही हैं, सभी समझते हैं कि हम किस बारे में कह रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस समय में अपने योग बल को यूज करके हर आत्मा को सकाश दे करके हर आत्मा के जीवन का परिवर्तन करने का समय है। ओम शांति।